हे विवन, आज हम सीखेंगे बड़ा ही प्यारा सा मेकअप लुक विद प्रोडक्ट नॉलेज। सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले मैंने लिए प्रॉश की पैलेट, उसमें से एक पर्पल कलर लेके आईज पे प्रॉपरली ब्लेंड कर रहा हूँ ऊपर तक। देन उसके बाद मैंने सेम पैलेट में से एक शिमरी शेड लिए पर्पल कलर की एंड उसे ब्लेंड कर रहा हूँ आइज के ऊपर। देन उसके बाद हम लेंगे एक टू वे जेल, उसको अप्लाई करके उसके बाद हम पर्पल कलर की ग्लिटर अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। आफ्टर दैट मैंने यूज़ किया रिकोट का जेल लाइनर एंड उसके बाद मैं यूज़ कर रहा हूँ रिकोट का हाइलोनिक एसिड मिस्ट ऑन फेस। नाउ उसके बाद हम यूज़ करेंगे बायोडर्मा का मॉइस्चराइजर। स्मैश बॉक्स का जेल बेस्ड प्राइमर ले रहा हूँ, उसको अप्लाई कर रहा हूँ। आफ्टर दैट मैंने यूज़ किया डार्क ऑरेंज करेक्टर जहाँ नीड थी। उसके बाद मैंने यूज़ किया है नास की फाउंडेशन जो कि है शेड गोबी और फिजी, उसको मिक्स करके पूरे फेस पे अप्लाई करूँगा। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है एक डार्क कंसीलर जो कि आपकी फाउंडेशन से एक दो टोन डार्क होना चाहिए एंड अप्लाई करने के बाद मैं उसे ब्लेंडर के साथ ब्लेंड कर रहा हूँ। और इसे ब्लेंड करने के बाद मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ क्रायलॉन का अल्ट्रा जो कि आइवरी शेड में, और इसे मैं हाइलाइटिंग के लिए यूज़ कर रहा हूँ। पूरे फेस पे अप्लाई करके इसे ब्लेंड करेंगे हाइलाइटिंग एरियाज पे। देन उसके बाद मैंने यूज़ किया लिक्विड कंटूर, उसे फिर ब्लेंड करके प्रॉपरली ब्लेंडर से ब्लेंड करेंगे। आफ्टर दैट मैंने यहाँ पे यूज़ किया है O2O का लिक्विड ब्लशर जो कि एक पीच शेड में है और उसे ब्लेंड कर रहा हूँ मैं प्रॉपरली। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे शार्लेट टिल्बरी का कंपैक्ट यूज़ कर रहा हूँ अंडर आइज पे एंड हाइलाइटिंग एरियाज पे। देन आफ्टर दैट मैं यहाँ पे यूज़ करूँगा कंटूर, पाउडर कंटूर, और उसे ब्लेंड करूँगा। और उसके बाद मैंने ब्लशर भी पाउडर यूज़ किया एंड इसके बाद लव अर्थ के पहले से हमने लिपर लगाया और इसके बाद ब्रोज करेंगे। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ फिक्सिंग स्प्रे जो कि है अर्बन डिके का एंड उसके बाद मैंने यूज़ किया है लाइटर जो कि नताशा डिनोना का न्यूड ग्लो है एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट। होप यू लाइक इट। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर इफ यू लाइक द वीडियो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।